कैसे हो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉटी ट्रेनिंग के बारे में। अपने पास ये स्कूबी है और ये स्वीटी है और ये काजू है, सबको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आप देख लो, सारे बहुत ही ज्यादा एक्टिव है और वीडियो में आने के लिए बहुत ही ज्यादा बेचैन थे, इसलिए आप लोगों के सामने मैंने सारे को लाया। देखो किस तरीके से मेरे हाथ पे बाइटिंग कर रहे हैं, और ये भी, इसको भी चॉकलेट बिस्किट चाहिए हमेशा के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉटी ट्रेनिंग के बारे में, क्योंकि आपको अभी दिखाई पड़ रहा होगा कि ये कितना छोटा है और बहुत ही मोटा भी है और प्यारा भी है। ए नो, इधर आ जा। तो दोस्तों अभी ये जो पॉटी करेगा ना, ये हल्का सा करेगा पॉटी, 100 ग्राम के आसपास होगा। तो अभी यदि करे तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, आप पेपर से उठाओगे और घर के बाहर फेंक दोगे। लेकिन ये जैसे ही इतनी बड़ी हो जाएगी ना, तो आधा किलो एक बार में पॉटी करेगी, तो फिर पूरा रूम भी गंद करेगा और साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी होगी, गेस्ट आएंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। तो पप्पी पर तो ज्यादा लोग कंसंट्रेट करते नहीं है, क्योंकि ये पप्पी होता है तो इस पे लोग भूल जाते हैं। लेकिन बड़े डॉग यदि आपके घर में पॉटी कर देना, तो गेस्ट भी आपको बोलेंगे कि कैसा डॉग रखे हो कि घर में पॉटी करवाते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मात्र एक दिन में आप अपने प्यारे से पप्पी को कैसे पॉटी ट्रेनिंग दे सकते हो। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आप अपने पप्पी को घर से बाहर 3 महीना से पहले मत ले जाइएगा। मैंने इस पे एक पार्टिकुलर वीडियो भी बनाया था, 3 मंथ के बाद ही आप अपने डॉग को घर से बाहर ले जाइए, या फिर यदि घर से बाहर ले जाने का मन है तो कम से कम 2 वैक्सीनेशन करवा के ही आप अपने घर से बाहर ले जाइए, नहीं तो डॉग को पार्वो डिस्टेंपर का खतरा बहुत ज्यादा होता है। मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं, ठीक है। तो आपका डॉग यदि चला गया ना, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी और बहुत ज्यादा दुख भी होगी। तो प्लीज 2 वैक्सीनेशन से पहले आप अपने पप्पी को घर से बाहर मत ले जाइएगा। और जैसा कि आपको पता है कि काजू और स्वीटी का 2nd वैक्सीनेशन भी हो चुका है, 2nd वैक्सीनेशन के बाद ही आप अपने डॉग को घर से बाहर ले जाते हो। तो जैसा कि आपको पता होगा कि काजू और स्वीटी दोनों का वैक्सीनेशन हो चुका है 2nd वैक्सीनेशन, तो अब मैं इसको बाहर ले जा सकता हूँ। तो दोस्तों एक मिनट, मैं काजू को भी बुला लेता हूँ ताकि आप लोग देखोगे। इधर आ जा काजू, आ जा, सीट, गुड गर्ल स्वीटी, तुम भी सीट हो गई, खा लो। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप अपने पप्पी को घर में ही कैसे पॉटी ट्रेन कर सकते हो। दोस्तों जो चीज मैं आपको बताऊंगा 100% वर्क करेगा, मे बी कि किसी में एक्सेप्शन हो, बट यू वर्क करेगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज्यादा फायदा आपको होने वाला है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप अपने प्यारे पप्पी को घर में ही कैसे पॉटी करवा सकते हो। तो दोस्तों जितने भी पप्पीज होते हैं ना, वो चाहते हैं कि पॉटी किसी चीज पे करे, किसी सामान पे करे, जैसे कि आपके घर में डोरमेट है तो उस पे जाकर के करेगा। तो आपको बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग लगेगा कि मेरे डोरमेट पे ही ये पॉटी और टॉयलेट कर देता है, तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। तो दोस्तों आपको इस चीज से परेशान नहीं होना है, इस चीज से आपको एक सीख लेना है कि आपका डॉग कम से कम किसी चीज पे तो पॉटी कर रहा है। तो इसी चीज को आप एक एडवांटेज की तरह लोगे, और आप गेस कीजिए कि आपका पप्पी कब टॉयलेट करता है, कब पॉटी करता है, आप उस टाइम पे एक पेपर डाल दीजिए, ठीक है। और उस पेपर पे यदि आपका पप्पी पॉटी कर दे या फिर टॉयलेट कर दे, तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। तो इसी तरीके से एक सिस्टर कह लो या फिर अपने सब्सक्राइबर कह लो, उनके भी पप्पीज बहुत ज्यादा घर में पॉटी कर देते, तो उन्होंने मेरे से बताया कि मैं इस पप्पी का क्या करूं, प्लीज आप बताइए। तो मैंने उनको बोला कि इस तरीके से आप अपने पप्पी को ट्रेनिंग दीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक हैरा देने वाली बात ये थी कि जैसे ही मैंने उनको बोला कि आप पेपर पे करवाइए, तो उन्होंने क्या बोला आपको पता है? उन्होंने बोला कि मैंने जब से अपने पप्पीज को घर में लाया है ना, तब से मैं अपने घर में एक पेपर बिछा देता हूँ, और आज तक कभी भी उसने उस पेपर पे पॉटी नहीं किया, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे कुछ बताइए। तो मैंने उनको बोला कि आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, और फिर मैंने जो उनको बताया उस चीज को उन्होंने फॉलो किया। तो फिर मैंने उनको बोला कि उस पेपर पे पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा बना लीजिए और उस पे रख दीजिए। फिर जैसे ही उन्होंने उस पेपर के टुकड़े पे किया, उसी रात में उस पप्पी ने उस पे पॉटी कर दिया था, और वो सिस्टर बहुत ही ज्यादा हैप्पी थी, बहुत ज्यादा हैप्पी थी, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। और उनका एक कॉल रिकॉर्डिंग है जो कि मैं आपको सुनाऊंगा, आप यहाँ पे सुनिए कि वो कितनी ज्यादा खुश थी, और वो बहुत ही ज्यादा अमेज थी कि मेरे पप्पी ने सिंपल पेपर पे पॉटी नहीं किया, और जैसे ही मैंने उस पर टुकड़ा डाला तो मेरे पप्पी ने उस पर टॉयलेट भी किया और पॉटी भी किया। वो एक तरीके से बहुत ज्यादा खुश थी, और उनका कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, मैं आपको सुनाऊंगा,
आप इसको सुन लीजिए, फिर मैं इसके बाद आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग बतलाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आप लोग उनका एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। आज मॉर्निंग में मैं अपने पपी को, जैसे आपने बताया था कि पॉटी करने के लिए एक न्यूज़पेपर के ऊपर छोटा सा पेपर फाड़ कर उसी के ऊपर रख दो तो फिर करेगा, तो वैसे तो मैं हमेशा उसको जब से मैं लाई हूँ तब से केवल न्यूज़पेपर पे ही कराती थी, मगर केवल एक सिंगल न्यूज़पेपर रहता था। आज मैंने किया क्या कि जैसे आपने बताया था कि एक सिंगल न्यूज़पेपर ले करके उसके ऊपर छोटा सा टुकड़ा जो है उसका न्यूज़पेपर के ऊपर रख के उसके बाद उसको कराएंगे तो करेगा, तो आज मैंने यही ट्राई किया कि एक न्यूज़पेपर लेकर के ऊपर से उसका छोटा सा टुकड़ा न्यूज़पेपर का रख दिया था, तो आज वो मॉर्निंग में उसी के ऊपर पोटी किया। ऐसे सही है ये, मतलब ये पोटी करता है तो क्या ये न्यूज़पेपर पे जो करता किया है आज एक सिंगल न्यूज़पेपर पे ऊपर से छोटा सा टुकड़ा रख के, क्या ऐसे इसमें क्या है कि जो इस पर करता है वैसे नॉर्मल पेपर पे नहीं कर रहा था? तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि घर में आप ही अपने डॉग को उस पेपर पे करवा सकते हो, ठीक है। और यदि उस पेपर पे सिंपल पेपर पे ना करे तो उस पे एक टुकड़ा रख दीजिए। और दोस्तों यदि फिर भी आपका डॉग ये ना करे ना उस पे जा करके, तो आप गेस कीजिए कि आपका पप्पी कब टॉयलेट करता है, कब पॉटी करता है। तो 90% जो पप्पी होते हैं ना वो खाना खाने के बाद करते हैं, ठीक है, खाना खाने के 10 मिनट के बाद करते हैं, या फिर 70% कह लो। तो आपको ये टाइमिंग गेस करना है कि आपका पप्पी मॉर्निंग में पॉटी करता है या फिर रात में करता है या फिर खाना खाने के बाद करता है। तो इस चीज को आप मात्र 4 से 5 दिन गेस कीजिए, और उसके बाद ये जैसे ही पॉटी करने वाला होगा ना तैसे ही इसको पकड़ोगे, बोलोगे काजू 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 कम 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 काजू काजू, तो इस काजू को उस पेपर पे आप ले आओगे, तो उस पेपर पे ये घूमेगी थोड़ी देर और उसे कर लेगी। तो पहले दिन में तो ये कुछ नहीं समझ पाएगी, ठीक है, तो आप 3-4 दिन तक आपको इसी तरीके से करना है। और एक चीज आपको और करना है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यदि आप ये नहीं करोगे तो आपका पप्पी पॉटी ट्रेनिंग सीख ही नहीं सकता है। जैसे ही आपका पप्पी उस पेपर पे पॉटी कर दे आपको अप्रिशिएट करना है, बोलना है गुड गर्ल, तुमने पॉटी की, गुड गर्ल। देखिए ये आपको सुनने में लग सकता है कि ये जोकिंग है, लोग कैसे एक डॉग को गुड गर्ल बोल सकती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डॉग को गुड गर्ल बोलो और इसको भी गुड गर्ल बोलो और टॉमी को गुड बॉय बोलो, और ये थोड़ा सा आपको लग सकता है अलग टाइप का, बट आप वरी मत कीजिए, आपका पप्पी है आप उसको गुड गर्ल बोल सकते हो, कोई सुने है। तो इस चीज से एक पप्पी समझता है कि मैंने कुछ सही काम किया है तो इसके वजह से मुझे प्यार मिला है। तो नेक्स्ट टाइम से जब आप उसको इस चीज पे लाओगे तो ये जानबूझ करके उस पर टॉयलेट और पॉटी करेगी ताकि इसको प्यार मिले। तो 2-3 दिन 4 दिन ऐसा नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर आपका पप्पी ऑटोमेटिक पॉटी ट्रेनिंग या फिर टॉयलेट ट्रेनिंग सीख जाएगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पप्पी को घर से बाहर कैसे पॉटी ट्रेनिंग दिलवा सकते हो। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको 4-5 दिन ये गेस करना है कि आपका जो पप्पी है ना वो किस टाइम पे पॉटी करता है, जैसा कि मैंने आपको घर वाले पॉटी ट्रेनिंग में बताया था। तो आपको बाहर वाले में भी वही गेस करना है। पहले आप गेस कीजिए कि आपका पप्पी दोपहर के खाने के बाद किस टाइम पे करता है, मॉर्निंग के खाने के टाइम किस टाइम करता है, या फिर मॉर्निंग में ये जब उठता है उसी टाइम पे पॉटी करता है। तो इस चीज को आप गेस कर लीजिए। तो उस टाइम से मात्र 5 से 10 मिनट पहले आप इसको बाहर ले जाइए, ठीक है। और जब बाहर ले जाओगे ना तो हो सकता है 4-5 दिन आपका पप्पी अनकंफर्टेबल फील करे, ठीक है, कि मैं बाहर में आ गया हूँ पॉटी कैसे करूँ, पहले तो बंद कमरे में करता था अब घर के बाहर करूंगा तो कैसा लगेगा, सारे लोग देखेंगे, ऐसा आपका डॉग सोच सकता है। तो उसी टाइम पे आप अपने पप्पी को अपने घर से बाहर ले जाइए और फिर वहां पे आप देखोगे कि आपका पप्पी कुछ टाइम गोल गोल घूमेगा या फिर कुछ चीजों को स्क्रेचिंग करेगा, तो आप इसको और भी कंफर्टेबल उस टाइम पे होने दीजिए, या फिर नहीं ज्यादा खींचिए, नहीं ज्यादा पास आने के लिए बोलिए, नहीं ज्यादा दूर जाने के बोलिए, बस उसको उस टाइम पे फिक्स रखिए, ठीक है। जैसे ही आपका डॉग घूमने लगे या फिर स्क्रेचिंग करने लगे आप समझ जाओ कि आपका पप्पी पॉटी करने वाला है, ठीक है। तो इस चीज को जब आप कैच कर लोगे तो फिर उसके बाद आप उसको पॉटी करने के लिए दोगे, और जैसे ही आपका डॉग पॉटी फिनिश कर ले आपको अप्रिशिएट करना है, गुड काजू, यू आर ए गुड गर्ल, बहुत अच्छी काम किया तुमने। आपने देखा कि मैंने गुड गर्ल बोला तो स्वीटी मेरे पास आ गई, क्योंकि ये समझती है कि गुड गर्ल पे बहुत ज्यादा प्यार मिलता है और साथ ही साथ कुछ खाने के लिए मिलता है। मैं खाने के लिए क्या देता हूँ आपको बता देता हूँ दोस्तों। मैं ये प्योर पेट अभी यूज कर रहा हूँ, मार्केट में आपके पास मीटअप का भी मिल जाएगा, ये तो बहुत ही ज्यादा सस्ता है और इससे भी महंगा महंगा ट्रीट आता है, तो आप लोग ये यूज कर सकते हो। कुछ 5-6 अच्छे जो ट्रीट होंगे
उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से परचेस कर सकते हो। तो इस चीज को आप लोग जरूर यूज कीजिए, ठीक है? तो आपका पप्पी कोई भी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाएगा। तो दोस्तों चलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम करते हैं काजू पे, और ये काजू पहली बार मेरे साथ घर से बाहर जा रही है, और हम देखेंगे कि ये पॉटी करती है या फिर नहीं करती है। दोस्तों दोपहर के खाना खाने के बाद, जस्ट खाना खाने के बाद 5 से 6 मिनट के बाद ये पॉटी करती है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है काजू को। तो दोस्तों आज हम दोपहर के खाने के बाद इस काजू को अपने साथ बाहर ले जाएंगे और देखेंगे कि ये पॉटी करती है या फिर नहीं करती है, ठीक है? और अगर ये करेगी तो इसे मिलेगा क्या आपको पता है? बहुत सारा प्यार और कुछ बिस्किट्स भी मिलेंगे। ओह काजू नो, ये भी मुझे प्यार कर रही है। ओहो काजू, यू आर वेरी गुड गर्ल, यू आर वेरी गुड गर्ल। किस स्टैंडर्ड में पढ़ती हो तुम, किस स्कूल में पढ़ती हो बताओ। तो दोस्तों अब बारी आती है काजू की, ये बाहर जाए और पॉटी ट्रेनिंग दिखाए आप लोगों को, ताकि आप लोग भी अपने पप्पीज को पॉटी ट्रेनिंग दो। तो दोस्तों ये हो सकता है कि आज मैं इसको पहली बार बाहर ले जाऊंगा तो ये पॉटी ना करे, ठीक है? क्योंकि बाहर में ये अनकंफर्टेबल फील कर सकता है। तो दोस्तों ये हो सकता है कि आज पहली बार मैं इसको बाहर ले जाऊं तो ये अनकंफर्टेबल फील कर सकता है, और इसके वजह से ये पॉटी ना भी करे। तो मैं इसी टाइम पे हर दिन इसको बाहर ले जाऊंगा, तो 3-4 दिन का कर रहे हो तुम? नो बैड गर्ल, यू आर बैड गर्ल। तो दोस्तों मैं इसी टाइम पे इसको रोज बाहर ले जाया करूंगा, ठीक है? ये जेलसी फील कर रही है, आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये सोच रही है कि मैंने इसको गोदी में ले लिया और ये इसमें बात करे कि गोदी से हट जाओ, आ जाओ मैं तेरे को ही गोदी में ले लेता हूँ, ठीक है? तो दोस्तों मैं इसी टाइम पे इसको रोज 3-4 दिन बाहर ले जाऊंगा ना, तो ये कंफर्टेबल फील करेंगे और सोचेंगे कि ये मेरा ही प्लेस है, तो वहां पे करेंगे। लेकिन फिर से मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है? आज इसको बाहर ले जाता हूँ और देखेंगे ये पॉटी करती है या फिर नहीं करती है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बाहर ले जाने से पहले काजू आप लोगों से कुछ बोलना चाहती है, तो आप लोग सुन लीजिए कि आप लोगों को क्या बोलना चाहती है। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक कर दो।